हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 28 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप 40 क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नया वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। ये हमारा राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 28 होगा। एग्ज़ाम जो है आपका 3 जुलाई 2022 को आयोजित किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी साझा करना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। ऑप्शन है आपके, समस्याओं के प्रति सजग नहीं होगा, बी है गतिशील चिंतन का अभाव, सी है प्रबल जिज्ञासा, डी है समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। ऑप्शन सी, प्रबल जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य, श्रव्य सामग्री, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है गाइस, प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है गाइस, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, पावलोव, थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर। ऑप्शन ए, पावलो। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। ऑप्शन ए, पारंपरिक अनुकूलन। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है छठा, निम्न में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? अभिवृत्ति, संकल्पना, ज्ञान, परिवक्तता। ऑप्शन डी, परिवक्तता। सातवां क्वेश्चन, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है सोच में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान का सृजन, अनुभव प्राप्त करना। ऑप्शन वी, व्यवहार में परिवर्तन, ये आपको ध्यान में रखना है। आठवां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है बचपन तक, किशोरावस्था तक, पूर्णावस्था तक, जीवन पर्यंत। ऑप्शन डी, जीवन पर्यंत। गाइस, नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? व्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, भूख। ऑप्शन वी, प्रतिष्ठा। गाइस, दसवां क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? 5, 7, 8, 6। ऑप्शन सी, 8। ग्यारहवां क्वेश्चन, बुद्धि सर्वाधिक चिंतन है किसका कथन है? बैसलर का, वर्ट का, स्पीयरमैन का, स्टोडर्ट का। बुद्धि सर्वाधिक चिंतन है किसका कथन है? ऑप्शन सी, स्पीयरमैन का। गाइस, बारहवां क्वेश्चन, मूर्त बुद्धि है यांत्रिक बुद्धि, क्रियात्मक बुद्धि, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी, उक्त दोनों। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बर्ट तथा वर्मन के अनुसार योग्यता के प्रकार हैं 2, 4, 6, 8। ऑप्शन ए, 2 प्रकार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गैरिट ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है? 2, 3, 4, 5। गैरिट ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है? ऑप्शन बी, 3 प्रकार बुद्धि का उल्लेख किया है। पंद्रहवां क्वेश्चन है गाइस, अमूर्त बुद्धि वाले बालक की रुचि होती है खिलौनों को तोड़ने में, खिलौनों को जोड़ने में, पुस्तकें पढ़ने में, सबके साथ मिलजुल कर रहने में। ऑप्शन सी, पुस्तक पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के दौरान जनता से साक्षात्कार के समय इनमें से क्या स्वाभाविक क्रिया है? घबराहट,
असहल व्यवहार ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी घबराहट असहल व्यवहार दोनों, ठीक है ए और बी दोनों। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुनने का तात्पर्य है, सुनने का तात्पर्य है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, आसपास मौजूद उद्दीपकों से उत्पन्न आवाज़ का कानों तक पहुंचना, किसी व्यक्ति विशेष की बातों पर ध्यान देना, चेतन रूप से कुछ विशेष ध्वनियों पर ध्यान देना। 18वां क्वेश्चन है गाइस, पढ़ते समय अगर आसपास कोई शोर हो रहा हो तो, ऑप्शन हैं आपके, हमें उसे शांत करने की कोशिश करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ देर बाहर निकलकर उसमें शामिल होना चाहिए, मुंह ढककर कुछ देर सो जाना चाहिए। ऑप्शन वी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है गाइस, श्रवण कैसी प्रक्रिया है, मानसिक एवं सक्रिय, निष्क्रिय, एकाग्रता, प्रभावी। ऑप्शन ए मानसिक एवं सक्रिय। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, श्रवण के प्रकार होते हैं, 1 2 3 4 श्रवण के प्रकार होते हैं, तो श्रवण के कुल 4 प्रकार होते हैं, ऑप्शन डी। गाइस अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति मापन की स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक हैं फ्रीमैन, गटमैन, लिकर्ट, थर्स्टन। ऑप्शन वी गटमैन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अभी क्षमता रुचि एवं संतुष्टि प्रदायक अधिगम की संभावित गति का एक मापक है, कथन किसका है, गुडवर्थ, वाटमन, वान डूसेन, रायबर्न। ऑप्शन सी वान डूसेन। गाइस अगला क्वेश्चन, आदत समाज का विशाल चक्र और उसकी परम श्रेष्ठ संरचिका है, कथन किसका है, लेडल, गैरेट, मार्सेल, जेम्स। ऑप्शन डी जेम्स, जेम्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, घर पर अनुकूल वातावरण देना, बच्चों के मित्रों पर निगरानी रखना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, शिक्षण की उपयुक्त विधियां। ऑप्शन सी नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है श्याम पट प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन, पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, बहुत ज़्यादा। ऑप्शन सी 3 से 5 वर्ष। गाइस अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है कम, ज़्यादा, बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा। शैशवावस्था में रक्तचाप होता है, ऑप्शन ए कम। गाइस अगला क्वेश्चन, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है व्यायाम, स्वच्छता, पोषण, निद्रा। बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है ऑप्शन सी पोषण, पोषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन है गाइस, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है पिट्यूटरी ग्रंथि का, थायराइड ग्रंथि का, क्लोम ग्रंथि का, प्रजनन ग्रंथि का। ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, गाइस क्वेश्चन, क्रियात्मक विकास का अर्थ है मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशीय उचित संयोजन, मांसपेशियों का एकीकरण, उपयुक्त सभी। क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 31 क्वेश्चन देखिएगा, किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती है, जिज्ञासा, काम, सामूहिकता, संग्रह। किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती है, ऑप्शन बी काम। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशोर अवस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है, व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा,
किशोरावस्था बड़े तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था, ये कथन है। कॉल स्नेक ड्राइवर स्टनल हॉल ब्रगी। ऑप्शन सी इज राइट, स्टनल हॉल। थर्ड एवर क्वेश्चन, संवेग आधारित होते हैं, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उपरोक्त सभी। संवेग आधारित होते हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, दोनों ही से, कोई नहीं। तो परिपक्वता का जो संबंध है दोनों से ही है, शारीरिक विकास से भी है और मानसिक विकास से भी है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर, प्रबंधन व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तुओं का निर्देशन, शैक्षिक प्रबंधन में मानवों द्वारा मानवों की निर्मित किया जाता है, उक्त कथन किसने दिया? चार्ल्स रेनाल्ड ने, लॉरेंस अपले ने, डुप्लर ने, उपरोक्त सभी ने। ऑप्शन बी लॉरेंस अपले ने, ये आपको ध्यान, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, समस्त संगठन तथा संगठन के प्रत्येक भाग को उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति में पूर्ण योगदान देना चाहिए, ये कथन किसने दिया? टीनेल, लॉरेंस, रेनॉल्ड, डुलर। ऑप्शन ए टीनेल ने दिया यह कथन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के समय विभाग चक्र में शामिल नहीं है, बालचर, समाज सेवा, एनएसएस, गृह कार्य। पाठ सहगामी क्रियाओं के समय विभाग चक्र में शामिल नहीं है, गृह कार्य। ऑप्शन डी इज राइट। 39 क्वेश्चन देखिएगा, प्रक्षेपण समय विभाग चक्र उपयोगी हैं, प्रधानाध्यक्ष हेतु, अध्यापक हेतु, छात्रों हेतु, जिला शिक्षा अधिकारी हेतु। ऑप्शन ए प्रधानाध्यापक हेतु। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए, अध्यापकों की रुचि के अनुसार व्यवहारिक व लोचदार, छात्रों की रुचि के अनुसार, प्रधानाध्यापक की रुचि के अनुसार। ऑप्शन बी व्यवहारिक व लोचदार। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।